के लिए नहीं। अरे बच्चा एक बात बता, तेरा राइट कहाँ है? राइट है, चुप करना, राइट है। अपनी लड़की को समझाना चाहिए ना, मेरी लड़की नहीं है, बात के लिए केस कर। तू मेरी लड़की बता दे, क्यों, क्या हुआ? ये धोखाधड़ी क्या लिख रखा है इसमें? क्यों, बिल्कुल ही, शादी हो गई, शादी करवा भी दिया, पैसा भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, फिर भी तू यहीं पे पड़ी हुई है। केस करने की क्या, तो क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं कर? नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मैं अपनी बच्ची को लेके आया हूँ गुनगुन से बात करने, और एक छोटा सा हमने काम भी किया है कि गुनगुन के खिलाफ थोड़ी सी कंप्लेंट हमने दर्ज करवाई है थाने में। बाकी वो हमें कहती है गुनगुन कि मैं अपने पापा के घर चले जाऊँगी, राइट ना बेटा? यस। हम उसे पूछेंगे या तो अपने पापा के घर चल जा या अपने ससुराल चल, क्योंकि हमने इतना कुछ किया ये इसलिए तो नहीं किया ना। और समर के साथ जो मैं अभी जो झगड़ा चल रहा है मेरा, जो बात चल रही है, वो मुझे कुछ लगा, एनालाइज किया कि नहीं गलत हो रहा है। और मैं अपनी बेटी को जो अपने साथ ले गया तो समर बिल्कुल अकेला हो गया। आज हम लोग गुनगुन से बात करेंगे और स्ट्रिक्टली उसको बोलेंगे दो रास्तों में से एक रास्ता उसको चुनना पड़ेगा। नमस्ते उत्तर, क्या हाल है? ठीक है सर। अरे बेटा और क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है बाबा। क्योंकि हमें से ज़्यादा तुझे मालूम है इस घर में क्या चल रहा है। हाँ जी बाबा। तो क्या आप ज़्यादा रहते हैं? क्योंकि मेरी बेटी को आपने दूध में से मक्खी निकाल के समझ के फेंक दिया। दूध मक्खी ऐसे ही तो किया है। कितनी मासूम बन रही है, तेर से बात नहीं कर। हाँ, अब क्यों इससे बात करोगे आप? हाँ, आपको मेरे से क्यों ही करेगी? अब मेरे से वही तो कह रही हूँ, पति तो छोड़ ही दिया है, जितना चुपका चुपका तो ऐसे लोगों से बात करना पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो नींद में उठ के सो जाओ, लेट जाओ। एक गुनगुन तुम्हारे लिए लो, छोटा सा आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, गिफ्ट है आपके लिए, पढ़ो इसको। पापा क्या है ये, किस बात का है ये? राधिका तू ही बता दे, क्यों, क्या हुआ? ये धोखाधड़ी क्या लिख रखा है इसमें? क्यों, बिल्कुल ही, शादी हो गई, शादी करवा भी दिया, पैसा भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, फिर भी तू यहीं पे पड़ी हुई है। केस करने की क्या, तो क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं? ये तेरा घर है, ये तेरा घर है या हम तेरे रिश्तेदार? मेरा घर नहीं है भाई, तेरा घर है, तेरा ससुराल है। तो तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, इसलिए रुकी थी। मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, मैं तो हुई नहीं यहाँ पे, मैं तो हुई नहीं ना यहाँ पे। तो तू क्या कर रही है? मुझे ना तुम दोनों से यही उम्मीद है। वो क्यों? क्योंकि यदि वो अपने राइट के लिए लड़ती है तो वो तेरे लिए खराब है। पापा मैं राइट के लिए नहीं। अरे बच्चा एक बात बता, तेरा राइट कहाँ है? राइट है, चुपकना राइट है, अपनी लड़की को समझाना चाहिए ना। मेरी लड़की नहीं है, बात के लिए केस कर। तू मेरी लड़की नहीं है, समर को तो संभालने से रही। तू मेरा बच्चा नहीं है, संभाल तो रही है। तो मत आना फिर, तू संभाल तो रही, तू चाहती तो यही है मेरे से। आप मुझे बताओ, आप मेरा बच्चा नहीं हो तो वेल एंड गुड है, वो लड़ सकती है, तो मैं भी वो केस कर सकती है, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। मैं ऐसी नहीं, क्योंकि आप दोनों ने यही सोच रखा है ना। आपकी मैंने कंप्लेंट डाली है पापा, मैंने। बेटा आप क्या कर रहे हैं? तू भी तो मेरी लड़की है, तू क्या कर रही है बेटा? मैंने कंप्लेंट नहीं डाली। तू डालेगी नहीं ना? मैंने नहीं डाली ना। तू क्यों डालेगी? तू बेटा क्यों डालेगा? क्यों करूंगी मैं? तो पहले भी नहीं डाली जब पहले सारे ड्रामे हुए थे, मैंने तो पहले भी नहीं डाले जब समर ने शादी कर ली। एक बार बताऊं बेटा मैं, पहले भी तो मैंने पहले की बातें जब निकालोगे ना तो कुछ का कुछ हो जाएगा। तो पापा अभी तो मैं भी यही बोल रही हूँ ना, मैं हुई नहीं ऐसी। पहली बात तो है कि आप हो नहीं, आप हो नहीं, ठीक है, मैं एग्री हो गया आपकी बात से। आप अपने ससुराल जाते नहीं हो, आपके पति ने आपके सामने साफ बोल दिया, मैं सामने खड़ा था, मेरे सामने आप लोगों ने बुलाया उसको। बता मेरी बेटी कहाँ जाए, कौन सा स्टैंड ले? समर का 6 दिन बाद, 7 दिन बाद फोन आता है तो फिर बहुत दल बदलू कैसे? बहुत ज्यादा। अच्छा कैसे? मेरे सामने आप मेरे लिए बोलते हो, राधिका के सामने आप राधिका का साइड बोलना पड़ेगा। अगर आपको हम दोनों आपकी बेटी लगते हैं तो दोनों को अच्छे से समझाओ, तो दोनों को समझाया ना कि एक के लिए केस करवाओ, दूसरों को कुछ और बोलो, तीसरे को कुछ और। ऐसा होता है उस दिन आपके सामने, उस दिन सारी बात क्लियर कर लो आप। उस दिन आपके सामने क्या बोला था आपने मेरे से कि तू ध्रुव की नहीं सुनेगी, चाहे तेरे को कितना भी उल्टा सीधा सुनना है। उल्टा सीधा बोलेगा बेटा, देख यदि उल्टा सीधा बोलेगा तो क्यों सुनोगे आप? तो सही बात है ना, आपको आपके मुंह पे बोल के गए दोनों के दोनों कि आपकी क्या मिस्टेक है। मैं घर जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, आप ध्रुव से पूछो, मुझे लेने के लिए रेडी नहीं है वो। अब मैं क्या हरकतें करेगी तो ऐसे कोई लेके जाएगा क्या? लेके जाएगा, क्यों बोलूं मैं भी तो यही बोलूं। आप तो मैं भी तो बोलूं ये। अच्छा, आप मुझे हाँ मिला रहे थे, आप राधिका का साइड किसको बेटा? क्यों नहीं लेंगे साइड? तेरे साथ भी खड़ा हूं, उसके साथ भी खड़ा हूं, गलत क्यों कर रही है तू बार बार? पापा केस की क्या जरूरत बनती है? बनती है, बिल्कुल बनती है। जब तू नहीं समझेगी, सब जगह से समझाया,
समर ने समझाया, ध्रुव ने समझाया, उसकी मम्मा ने समझाया, मैंने समझाया, इसकी मम्मा ने समझाया, इसने खुद समझाया। आपने ध्रुव को समझाया? मैंने नहीं समझाया, तेरे सामने नहीं समझाया मैंने, उसकी मम्मा भी थी ना। समझ गया? नहीं समझा ना, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया ना। पापा इससे पूछो ना, ये समझ गई? तू समझ गई? चपकने से बाज आ गई क्या? जो बोल रही है दूसरे से, जाने के लिए रेडी हूं। जाने से रेडी है? आप जाने के लिए रेडी? फिर क्यों नहीं लेके जा रहा वो? क्यों नहीं लेके जा रहा वो? क्यों नहीं लेके जा रहा आपको? कोई तो रीजन होगा। अरे रीजन क्या है इसको? ही नहीं जाना है। आप बोलते हो कंप्लेंट मत कर बहन मेरी। मैंने नहीं बोला। नहीं, अभी आपने बोला ना कि आपने पापा ये इसमें कंप्लेंट करने की क्या जरूरत? बिल्कुल क्या कर दे? मैं कोई नहीं ठोके कर दे मेरा। हाँ, बिल्कुल ही। और क्या मेरा कौन सा कुछ खा लेगी? तेरा कौन? नहीं, ये गलत है ना, आपने पहले सोच रखा है ना ये बात। आप जो मुझे बोल रहे हैं हम गलत कर रहे हो। हम गलत कर रहे हैं? इतने बड़े हो जब एक बात बता लेकर आए। अच्छा, आप अपनी लड़की को तो समझाने से ना। अच्छा, एक बात बताओ, समझा रहे हो? ओके, सारी चीजें पता होने के बावजूद मैं गुनगुन गलत? ठीक है बेटा, जब आपका प्रॉब्लम था तो आपके साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था? खड़ा था ना, खड़े थे, राइट? आज मेरी बच्ची इसका प्रॉब्लम है तो इसके साथ खड़ा होऊंगा कि नहीं होऊंगा? खड़े रहो, आपका राइट बनता है। खड़े रहो, आप मुझे कैसे कह सकते हो? मुझको क्या, कैसे करोगे पापा? देख, तूने जो स्टैंड लिया ध्रुव के साथ, जो भी स्टैंड लिया तूने, मैं खड़ा हुआ ना, चाहे तू मेरे बेटी के घर में है, चाहे जो भी हो रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा था ना। वो गलत है कि ये गलत है? पर आपकी नजर में ये गलत है कि आपकी कजन सिस्टर ने, कजन ही बोलूंगा, कि कंप्लेंट डाल दी। और आप जो इसके, आपके जो, आप जो इसके हस्बैंड के साथ कर रही हैं वो सही है आपकी आंखों में, आपके स्टैंडर्ड में वो सही है, क्योंकि ध्रुव आपको बोलता है तो आप ध्रुव को डांट देती हैं। ये तो मेरे सामने की बात है ना बेटा। फिर आप मुझे बोलते हो पापा कभी आप उसके साथ खड़े हो, कभी आप उसके साथ खड़े हो, मैं तो दोनों के साथ खड़ा हूँ ना। जब आपने अच्छे से मिलकर बात भी तो करी, क्या समझाया ना? नहीं समझाया। कितनी बार समझाया? आपको नहीं समझाया? नहीं समझाया। हाँ, हम जैसे इसको समझाया नहीं होगा। हाँ, नहीं समझाया हमने आपको? नहीं समझाया तुझे? तेरी अकल में पत्थर भरे पड़े हैं तो कौन समझाएगा? बच्चे, जब बाप समझा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये आपकी सिस्टर क्या आपको समझाएगी? समझा भी नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर खुद इतना दिमाग, तेरे अंदर तो बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा पड़ा है, तभी तो अपने पति को छोड़ के बैठी है, तूने के पति को चिपक रही है। राधिका, बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल ठीक बोले आप, ये बात आप बिल्कुल राइट बोले कि इसमें दिमाग नहीं है बेटा। यदि इसमें दिमाग होता ना बेटा तो आप यहाँ नहीं होते। दिमाग की बात छोड़ के हम कुछ और बात करें, जो इसकी बात है, क्या जो भी इसकी बात है, क्या करना है क्या नहीं करना, केस तो करवा दिया, ठीक है, ठोके, अब और कुछ मतलब आप चाहते हैं ना? तो फर्क पड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल है ही तू ऐसी, ये सब चीजें हो आपके साथ, आप मतलब इस मुद्दे में रहे कि हमेशा हाईलाइट रहे कि गुनगुन 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 यहाँ पे भी होता रहे और वहाँ पे भी होता रहे, आप यही चाहते है ना शायद पापा? तो फिर अपनी नेचर को बदलो बेटा। पापा चले यहाँ से। हाँ, कोई समझा के बात करके कोई फायदा तो है नहीं। ओके बाय। ओके बाय।